ये दिन में कब से सपने देखने लगे सूरज जी? प्यार करने वाले और क्या करते हैं, सपने ही तो देखते हैं। वैसे भी मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं, तुम एक दिन बहुत बड़ी स्टार बन जाओगी और मैं तुम्हारा स्टार सेक्रेटरी, तुम्हारे हाथ ऑटोग्राफ देंगे और मेरे हाथ ढेर सारे नोट गिनेंगे। अच्छा, सेक्रेटरीशिप ही करनी थी तो केमिस्ट्री की इतनी मोटी मोटी किताबों में इतने साल सर क्यों खपाया? वो इसलिए कि मुझे गोल्ड मेडल मिले और तुम इम्प्रेस होके मुझसे प्यार करने लगो। मैं कोई इम्प्रेस नहीं हुई तुमसे। तो इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार? बिल्कुल नहीं। स्टार लोग जमीन पर रहने वालों से प्यार नहीं करते। मैं प्यार करूंगी तो किसी हैंडसम अमीर एनआरआई से और फिर शादी करके फोर हो जाऊंगी। फिर तुम क्या करोगे? क्या करूंगा? तुमसे प्यार किया है, करता हूँ, करता रहूंगा। तुम मुझे छोड़ के चली भी जाओगी ना, तब भी मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई किला शिकवा नहीं रहेगा। सारी जिंदगी गुजार दूंगा तुम्हारे याद के सारे। ए, स्टार लोग रोया नहीं करते हुँ? सुप्रिया मत रो, तुम फिर डांस करने लगोगी, फिर तालियां बजेंगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब आराम करो, मुझे जाना है। छुट्टियां खत्म होने तक इंतजार नहीं कर सकते? नहीं सुप्रिया, परसों एग्जामिनेशन पेपर वापस करने का आखिरी दिन है, उससे पहले मुझे जाना होगा। लाओ तुम आराम करो, अगले सैटरडे मैं वापस आ जाऊंगा। वक्त पर एक्सरसाइज करना और वक्त पर दवा लेना, एंड नो मोर क्राइंग, प्रॉमिस? प्रॉमिस। लव यू। पूजा दीदी, पूजा दीदी, क्या है दीदी? इतनी स्ट्रगल के बाद एक छोटी सी फिल्म में बड़ा सा रोल मिल रहा, जाने दो ना। नो दीदी। दीदी देखो, अब तो कॉलेज भी बंद हो गया, छुट्टियां शुरू हो गई और आपकी सारी चमचियां भी अपने अपने गांव चली गई, अब क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि इतने बड़े घर में मैं अकेले नहीं रह सकती। अकेली? अकेली कैसे? आप भी तो अपने डैडी के पास जा रही हैं। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ और तुम भी कहीं नहीं जा रहे हो, समझे? ओए, नहीं समझा। और अब तो तुम बिल्कुल कहीं नहीं जा रहे हो, हमें इन्हें कंपनी देनी है ना। ओह, अरे सर के घर की चाबी हमारे पास है ना, तो जाओ जाओ जल्दी लेकर, कम ऑन स्टूपिड, मूव मूव गो। नमस्ते सर। ये लो सर, सर 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 सर, आपकी चाबी हमारे पास है। दिलदार कहाँ गए? अपने ससुराल गए हैं, अपने वाइफ के घर। और तुमने गई अपने घर? घर घर तो अभी मुझे बसाना है सर। सर आपकी चाबी। सर जहाँ आप गए थे वहाँ सब ठीक तो है ना? बस एक कौवा हंस हो गया, एक गाय इंग्लिश बोलने लग गई और कुछ पेड़ों पे पैसे हो गए। अच्छा, आपके यहाँ ये सब अब हो रहा है? मेरे यहाँ तो काफी पहले हो चुका था। हाँ क्यों नहीं, जहाँ तुम जैसा अजूबा पैदा होगा वहाँ ये सब नहीं होगा तो वो अपने आप में एक अजूबा होगा। यू आर सो राइट सर। राम दुलारी ने उस दिन कुछ कहा था लेकिन अभी तक उसे कोई जवाब नहीं मिला। राम दुलारी को जवाब मिल जाएगा। कब? सही वक्त आने पर। वो वक्त कब आएगा सर? जल्द। यानी तब तक राम दुलारी को आपका इंतजार करना पड़ेगा। तो ठीक है, हम इंतजार करेंगे क्योंकि हम तो आपके दीवाने हो चुके हैं। दुलारी को गिफ्ट पसंद आई? आपने क्या सोचा कि मैं एक छोटी सी बच्ची हूँ जो खिलौने से खेलूंगी? हाँ,
इसमें सोचना क्या है? तुम हो, मैं तुम्हें इसी नजर से देखता हूँ। Now go and play. What? मैं बच्ची नहीं हूँ। I'm a girl. I'm a grown-up girl. Stupid girl. तुम्हें पता है तुमने क्या किया है? ये यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के पेपर्स हैं। कितने स्टूडेंट्स का फ्यूचर है ये पेपर्स? Now get out of here. Get out. डैडी ने भी आज तक मुझ पे हाथ नहीं उठाया। आपने? हाँ उठाया है, उठाया है। जो करना कर लो। प्यार करना कोई क्राइम है? अगर है तो मैंने ये क्राइम किया है। जाके एफआईआर दर्ज करवाइए, जाइए, मुझे फांसी लगवाइए। अच्छा किया आपने, मेरे ऊपर हाथ उठाकर मेरे प्यार में आपने जिद को भी शामिल किया है। लेकिन याद रखिएगा, एक दिन यही हाथ इन गालों को प्यार से छुएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं भी दीपराज खन्ना की बेटी नहीं। क्या करेंगे आप? हाँ क्या करेंगे? मुझे मारेंगे तो मारिए, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि मैं आपसे प्यार करती हूँ। आई लव यू एंड इट्स ट्रू लव, समझे आप? तुम लोगों से झगड़ा करने नहीं आया हूं। एक्चुअली किसी से प्यार करना गलत नहीं है, इट्स नॉट अ क्राइम। लेकिन शायद तुम्हारा तरीका गलत है और जगह भी। एक काम करते हैं, क्यों ना इस वीकेंड किसी पिकनिक पे चलें? कहां जाएंगे सर? दैट्स अ सरप्राइज, लेकिन आप लोग तैयार रहिएगा। ओके पूजा, आई मीन नाम दुलारी, बाय। सरप्राइज नंबर वन, ये घर जहां सूरज चौहान ने सपने देखने शुरू किए। सरप्राइज नंबर टू, मेरे अंकल, लेकिन बाप से भी बढ़कर मेरे पापा और ये जिगरी दोस्त थे। दोनों शेयर मार्केट को रूल करते थे। एक दिन अचानक शेयर मार्केट क्रैश हो गई और मेरे पापा ये शॉक बर्दाश्त नहीं कर पाए। उनके जाने के कुछ ही दिनों बाद माँ भी चल बसी। तब से इन्होंने मुझे पाला। पापा ये मेरे कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। नमस्ते। नमस्ते। तेरे फ्यूचर के फादर लॉ है, पैर तो छू। ये क्या कर रही हो? ये बड़ों का बहुत लिहाज करती है, अपने से बड़े किसी को देख लेती है तो फौरन पैर छू लेती है। आज के जमाने में भी ऐसी संस्कारवान लड़कियां हैं। अभी आपने मेरे स्टूडेंट्स को जाना ही कहा है पापा। जैसे तुम वैसे तुम्हारे स्टूडेंट्स। मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम इन्हें अंदर ले जाओ। सुप्रिया भी अंदर ही है। अरे वाह, तुम यहाँ तक चलकर आई।
ये है वो तीखी मिर्चियाँ, मैंने कहा था ना। अच्छा अच्छा। ये है उनकी लीडर राम दुलारी, पूजा। और पूजा, सरप्राइज नंबर 3, सुप्रिया महेश्वरी, उनकी बेटी और मेरी मंगेतर। माय लव एंड माय लाइफ। पिछले 3 साल से इसे पैरालिसिस है, डॉक्टर कहते हैं जल्दी ठीक हो जाएगी। और देखो, खुद यहां तक चलकर आई है। कम ऑन गर्ल्स। देखा क्या ब्रेक किया है मैंने, एकदम पूजा के प्यार की तरह। उसका दिल भी तो इन कॉइंस की तरह टूट के बिखर गया है। गलती पूजा की है, इसे सूरज सर को अपना दिल देना ही नहीं चाहिए था। गलती पूजा की नहीं, कॉलेज मैनेजमेंट की है। क्या जरूरत थी गर्ल्स कॉलेज में एक यंग लेक्चरर रखने की, है ना पूजा? ये लो। वाओ वाओ, एंजॉय कर रहे हो कि नहीं तुम लोग? तुम भी लो। क्या हुआ राम दुलारी? लो। तुम कैरम नहीं खेल रही? क्या बात है सूरज, ये जब से आई है उखड़ी उखड़ी सी है। क्या बात है पूजा? कुछ नहीं, जरा सी हेडेक है। आज इसे हेडेक है, बाकी के दिन ये हमें हेडेक देती है। तुम लोग मेरे साथ नहीं, कैरम के साथ खेलो। ओके ओके। रुको 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 रुको, ये क्वीन मुझे डालने दो। लाओ मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। नहीं नहीं, इसमें मुझे तुम्हारी हेल्प की कोई जरूरत नहीं है। भूल गई, कैरम हमेशा मैं जीतता हूँ। लेकिन क्वीन हमेशा मैं लेती हूँ। वो तो मैं तुम्हें जानबूझ के लेने देता हूँ। जब मेरे पास सचमुच की क्वीन है तो मुझे किसी और क्वीन की क्या जरूरत है? क्यों गर्ल्स? हाँ सर। राम दुलारी, तुम खेलो, मैं देखता हूँ। पूजा, डोंट बी सिली, आओ कम विद मी। पूजा, अब तक जो कुछ भी हुआ वो एक मस्ती थी, मजाक था। कम से कम मैंने सब कुछ इसी तरह से लिया। लेक्चरबाजी सिर्फ क्लासरूम में ही अच्छी लगती है। मैं जानबूझ के तुम्हें यहाँ लाया हूँ ताकि तुम अपनी आंखों से सच्चाई देखोगी तो मुझे और बेहतर समझोगी। इतनी नासमझ नहीं हूँ जितना आप मुझे समझ रहे हैं। देखो, अब भी अगर मुझे लेकर तुम्हारे दिल में कुछ है तो उसे अपने दिल से निकाल दो। यहां से जाने के बाद तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त और सबसे अच्छी स्टूडेंट रहोगी। कम ऑन, चेयर अप। आज गांव में जलसा है, हम सब वहां चलेंगे। ओके okay?